हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अब देखिए, आपको दिखाते हैं कुछ हमारे पीछे। ये देखिए, तो जैसा आपको पता होगा, हम जा रहे हैं अब केदारनाथ और चारों धाम। केदारनाथ तो पक्का है ही, उसके आगे हम दिखाते रहेंगे, जो भी जैसा भी होगा आपको लेके चलते हैं आपको आगे आगे और दिखाते हैं। वो लोग बहुत अच्छा होने वाला है, सबसे टॉप व्लॉग होने वाला है ये हमारा। तो अब बजे हैं सुबह के 6 बज गए हैं। हम कल रात को 10 बजे चले थे घर से, कहीं भी नहीं रुके हम। पीछे हमने इसलिए व्लॉग नहीं किया, यहाँ अच्छे से दिन हो गया, आप सही अच्छे से दिखने लग गया। आप लोगों को दिखाएंगे कैसे कैसे नज़ारे हैं पीछे, देखिए हमारे। तो चलिए अब दिखाते हैं आपको संगम। ये देखिए, ये देखिए भाई, दो तरह का संगम। लो, हमने जी ऋषिकेश से लेके बद्रीनाथ तक का हाफ सफर कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से पूरा 100 किलोमीटर रह गया है। और जैसा कि आपको दिख रहा है हमारे पीछे, ये देखिए कितना वाव। ये देखिए हर जगह ऐसे ही नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। अभी चलते हैं हम आपको लेके वहाँ पे। ये देखिए जयधारी माँ मंदिर, चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं। जय माता दी। तो चलिए दिखाते हैं अब आपको अंदर चल के। सेल्फी सफल ना बनाए, वो देखिए उधर वीडियो। हेलो गाइस, तो उठ गए हैं हम, फाइनली पहुंच गए हम केदारनाथ। ये देखिए इसको कैसे शराब कर रहे हैं। क्या लग गया? आप सोए नहीं? आज मेरा मिची। सो लिए हम 4 से 5 घंटे, अब फ्रेश हो गए हैं, शाम हो गई। यहाँ से बस केदारनाथ रह गया है 8 से 10 किलोमीटर। तो अभी खाना दिखाते हैं आपको। देखिए हमारे दूसरी टीम, लेडीज वाली टीम का क्या करने लगने लगी हुई है। ये देखिए, हाँ भाई, जो भाई सांझा चूल्हा तैयार कर दिया है। यहाँ क्या चल रहा है? अच्छा, लो भी देख लो, दाल। अरे बनाओगे खाना? खाना बनाते हुए दिखाएंगे आपको क्या क्या बना रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं अपना। सब तो बड़े शेफ हैं अपने ये टीम में। और उधर चल रही है सब्जी की तैयारी, इधर चावल आटा। अभी देखते हैं क्या क्या बनाएंगे, बनाते हुए दिखाते हैं आपको सबको। रेस्टोरेंट वाली फीलिंग लेंगे, ये भी लेके आए हो साथ में। फीडे मैनेजर साफ सर्विस कर रहे हैं। इस ये इस जिसमें रुके हुए होटल को, इसको बंद करवा के मानेंगे। खाना खुना भी यही बना रहे हैं। लोग लगवा दिया उस पर, देखिए। लोग गाइस देखिए, बारिश शुरू होगी बहुत तेज, झमाझम बारिश हो रही है। और हमारा खाना भी रेडी हो गया सारा। चलिए दिखाते हैं आपको बारिश। बस एक चीज रहेगी, रोटी बननी रहेगी बस। अभी रोटी भी बन जाएगी। नहीं भाई, ये देखिए शौर्य को भी। अरे वाह भाई वाह, हो गए रेडी। लो जी, हम हो गए निकलने के लिए रेडी। और अभी यहाँ से बस 10 किलोमीटर दूर है, निकलेंगे तो आगे का आपको दिखाते हैं। जैसे जैसे जो भी होगा सब बताते चलेंगे हम। तो चलिए चलते हैं। हे गाइस, हम सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर पीछे रह गए हैं बस। तो अभी ट्रैफिक रोक रखा है क्योंकि वहाँ पे पार्किंग फुल होती है। वहाँ से पार्किंग से निकलेंगे 6:30 बजे, निकल के गाड़ियाँ निकलेंगी, तब हमारे इधर से गाड़ियाँ जाएंगी।
लो गाइस शौर्य भी उठ गया है, अब देखते फोटो वगैरह करते हैं हम शौर्य की। ये देखिए शौर्य को। हाँ भाई शौर्य उठ गया आप, ठंड है ना बहुत यहाँ पे है भाई, बोल तो। लो गाइस हम पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा सा जाम लगा हुआ है, वहाँ से तो खुल गया था यहाँ पे। और ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए स्नो, क्या है शौर्य स्नो वाला, स्नो माउंटेन। हे गाइस तो सीतापुर वाली पार्किंग बिल्कुल फुल हो रखी थी, देखो शौर्य अब बताओ कहाँ जा रहे हैं हम, शौर्य बताएगा आपको। हम जा रहे हैं स्नो माउंटेन। लो गाइस यहाँ पहुँच गए हैं, यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है, ये देखिए ये यात्रा यहाँ से शुरू होती है हमारी, हमारी पूरी टीम साथ में अभी और इन बच्चा पार्टी देख लो भाई, सारे बात रहे हैं, सारे चलेंगे हम। लो भाई अब स्टार्ट होती है हमारी श्री केदारनाथ धाम यात्रा, यहाँ से ये देखिए। अभी दिखाते हैं शौर्य को, वो देखिए। हेलो गाइस, शौर्या इधर देखो एक बार, कहाँ तक पहुँच गया आप बताओ एक बार सबको। हर हर महादेव। हेलो गाइस हम आधे रास्ते तक पहुँच गए हैं, समथिंग 4 घंटे हो गए हम चलते हुए, बट शौर्य बहुत अच्छे से अपना भोले बाबा शक्ति दे रहे हैं शौर्य को, और शौर्य अब तक ज़्यादा से ज़्यादा हमने 1 से 1 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा हमने कंधे पे बिठाया होगा शौर्य को, नहीं तो पैदल ही चल रहा है शौर्य। लो गाइस शौर्य और आवी को हमने एक ही बकेट में बिठा दिया है, क्योंकि चले तो बहुत ही है पैदल, अब भी थके नहीं थे। फिर शौर्य इनकी दादी ने सोचा कि थक गए होंगे, अभी बिठा दो इनको तो भी आराम से रिलैक्स होकर चलेंगे। ये देखिए लो गाइस मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है, कल तो बारिश हो रही थी, आज बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, भोलेनाथ ने बहुत अच्छा मौसम कर दिया आज। लो गाइस हाफ रास्ते से ज़्यादा कंप्लीट हो गया हमारा, और बस अब 9 किलोमीटर रह गया यहाँ से, बस बहुत अच्छे से पहुँच गया। ये देखिए लो गाइस आवी और शौर्य के लिए अलग अलग पालकी रेडी कर दी हमने, ये देखिए ये शौर्य है। क्योंकि यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर रह गया दरबार, और बस पहुँचते ही हम बाबा के दर्शन करवाते हैं आप सबको। सब कुछ मिला लो गाइस, देखो कितना अच्छा मौसम हो रखा है, नाश्ता चल रहा है, परोठे नाश्ता करके निकल रहे हैं बस। ये देखिए शौर्य भी हो गया रेडी और आवी भी, हेलो सबके सब रेडी हो गए, बस अभी करके निकल ही रहे हैं, अभी वहाँ जाना है हमें। वो देखिए वहाँ जाना है, तो चलिए चलते हैं बाप कोशी देवी दर्शन करवाते हैं बाबा। लो गाइस शौर्य को देखो कैसे पैक कर दिया है बारिश की वजह से, क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी, और ये देखिए निकल लिया हम सब पैक होके, तो चलिए चलते हैं फटाफट। लो गाइस फाइनली पहुंचने वाले हैं बस, ये देखिए साइड
हाँ बर्फ हुआ देखिए बर्फ ये देखिए गाइस आपको दिखाते हैं कैसे बर्फ से पानी नदी बन रही है ये देखिए ये देखिए ऊपर से बर्फ पिघल के बिल्कुल नदी बन के जा रही है। लो गाइस फाइनली सबसे लास्ट वाला शॉर्टकट मार दिया हमने लगा दिया शॉर्टकट सबसे लास्ट वाला और ये देखिए ये है वो सबसे लास्ट वाला शॉर्टकट ये पार होते ही ये समझ लेना आप महादेव के दरबार में पहुंच गए हो। ये देखिए अब कोई ज़्यादा शॉर्टकट नहीं है अब तो सीधा सीधा सब बस थोड़ा सा दूर रह गया यहाँ से 2 किलोमीटर 2 से भी कम। ये देखिए ये है हमारा स्वर्ग लोक जहाँ हमारे केदारनाथ जी बैठे हैं वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव जी। देखिए शौर्य इसमें है और वेट कर रहा है अभी पूछ रहा था बाबा के पास पहुंच गए उनका बेटू बस पहुंच गया है। ये देखिए क्या नजारा है हाँ भाई पहुंच गए स्वर्ग की स्वर्ग से हवा आने लगी है यही यहीं के हाँ 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 छुपा रखा है शौर्य को तो हमने। लो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ से बस 1 किलोमीटर भी नहीं है 700-800 मीटर है यहाँ से बस बाबा का द्वार। ये देखिए लो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हेलीपैड ये देखिए यहाँ से 500 मीटर बाबा का दरबार है वो देखिए सामने आपको दिख भी रही होगी उनका उनका ये देखिए अभी दिखाता हूँ आपको ये देखिए यहाँ पे बस ये लगा लो बस पहुंच ही गए हैं चले भाई शौर्य चलो। लो गाइस फाइनली ये लाइन होती है रजिस्ट्रेशन की देखिए यहाँ से मंदिर जाने के लिए स्लिप कटवानी पड़ती है फिर आगे जाना पड़ता है बहुत लंबी लाइन है देखिए पीछे तक बम बम अरे जोर से बोलो ना बम बम अरे जोर से बोलो ना अभी तो नमकीन खाई आपने एनर्जी भी आ गई होगी बम बम बोले गेट है यहाँ से एंट्री होती है पास में बिल्कुल और वो देखिए ऊपर वो बैठे हैं भैरव बाबा वो श्री भैरव बाबा मंदिर है यहाँ से चलते हैं हे गाइस फाइनली हम पहुंच गए बाबा के दरबार के बिल्कुल पास कम से कम 3 से 4 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है और अभी तो हम 1 किलोमीटर ही आए हैं बस तो हमने सोचा पहले वीडियो बना लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है ये अभी बन रहा है ये इसको खोला नहीं है ये ओम की तस्वीर वो बन रही है स्टैचू और ये देखिए शौर्य को शौरू हेलो इधर आओ इधर है इधर आओ यहाँ देखो वाओ देखो वॉटरफॉल ये देखिए इधर सामने बाबा का दरबार है अभी दिखाते हैं आपको ये देखो सामने दिख रहा है आपको ये देखिए लाइन यहाँ से बहुत लंबी है वहाँ तक बिल्कुल 3-4 किलोमीटर लंबी लाइन है
तो चलिए अंदर चल के दिखाते हैं आपको बाबा। हेलो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं बाबा के दरबार में। ये देखिए, 3 से 5 मंदिर बंद होता है, कपाट बंद होते हैं मंदिर के। और अब 5 बजे हमारा नंबर आएगा, 4 बजे के करीब टाइम हो गया है। ये देखिए, आप दर्शन कर लीजिए, हम बिल्कुल यहाँ पे हैं पास में ही। ये देखिए गाइस, दर्शन करके हम निकल आए हैं बाहर। सबके सब बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और अब आपको दिखाते हैं भीमशिला। जब यहाँ पानी आया था बहुत जोर से, तो इन्होंने ही रक्षा की थी मंदिर की। ये देखिए, ये है भीमशिला, इधर से पानी आया था। और ये देखिए, ये मंदिर के बिल्कुल पीछे। वो देखिए ऊपर का नजारा। वो देखिए शौर्य कैसे मस्ती कर रहा है पानी में। शौर्य बाहर निकलो, इधर आओ। नो, तो हम नीचे उतर आए हैं। रात को जिस टेंट में थे उसी टेंट में वापस आ गए, 6 किलोमीटर था यहाँ से। और ये देखिए, कल सबके सब थके हुए थे इसलिए व्लॉग नहीं कर पाए ज्यादा, और फोन हमारा ऊपर ही बंद हो गया था। अब खाना खाएंगे और आराम से सोएंगे, सुबह टाइम से चलेंगे फिर यहाँ से। वो देखिए शौर्य को कैसे शरारत कर रहे हैं, वो देखिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो सुबह उठ गए हम 7:30 बजे, 7 बजे उठ गए थे, रात को टाइम से ही सो गए थे। ये देखिए, हम वही रुके थे जहाँ कल रात को रुके थे हम आते हुए। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे बाबा के, और वापसी आते हुए टाइम से सो गए थे। अब उठ गए, सब नाश्ता कर रहे हैं, परोठे बनवाए हैं, तो नाश्ता करके चलते हैं यहाँ से। हमारी पूरी टीम निकल चुकी है, पीछे और भी आ रही है। थोड़ी टीम हमारी पीछे है। सुबह सुबह बहुत अच्छा मौसम, आज बारिश वगैरह कुछ नहीं हो रही। तो चलिए चलते हैं, आपको वहाँ नीचे चल के दिखाते हैं। हेलो गाइस, हम पहुंचने वाले हैं जो नीचे हार्ड लेवल है वहां तक। हार्ड लेवल के बाद तो हमारा इजी लेवल आ जाएगा बिल्कुल, जहां से दो नदी का ब्रिज, दो ब्रिज स्टार्ट होते हैं, वहां से हार्ड लेवल शुरू हो जाता है। कभी भी आओ तो ध्यान रखना इस बात का। तो चलिए चलते हैं। हेलो गाइस, हमने हार्ड लेवल पार कर दिया है यहाँ से। वो देखिए, जब भी आप चढ़ाई कर रहे हो, ये दो ब्रिज आएंगे, यहाँ से हार्ड लेवल स्टार्ट हो जाता है। इस यहाँ तक तो इजी लेवल ही है, इसके बाद से यह हार्ड लेवल शुरू हो जाता है। ये देखिए, तो हमने ये बस क्लियर कर दिया है। ये देखिए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये है वो दो ब्रिज, यहाँ से इस साइड से तो वापस जाते हैं और इस साइड जाते हैं अपने केदारनाथ जी पे। ये यहाँ से होता है हार्ड लेवल शुरू, वो देखिए वहाँ तक जाते हैं गाइस। फाइनली हम पहुंच गए गौरीकुंड, और यहाँ से 5 किलोमीटर हम कैब लेंगे, और बस पैदल रास्ता यहीं तक होता है। ये देखिए, लास्ट है बिल्कुल,
और हमने 17-18 किलोमीटर की चढ़ाई अपनी कंप्लीट कर ली है और अब यहाँ हम जो पीछे रह रहे हैं उनका वेट करेंगे। हे गाइस, तो फाइनली हम चढ़ाई करके वापस आ गए हैं बाबा के दर्शन करके। आगे ना, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। और ये देखिए, अब यहाँ कुछ हम ये गोरीकुंड मार्केट में आ गए। हम यहाँ से सीधा जीप लेंगे, जीप से तो अब नाश्ता वगैरह मंगवा लिया, ये देखो। और अब यहाँ से शौर्य चलेगा, एक हंसी का खाएगी, एक शौर्य खाएगा, उसके बाद चलते हैं। अभी ऊपर वाले अभी रहते हैं, दो चार बंदे हमारे, वो आने के बाद चलते हैं। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई, उठ के हम चल पड़े। ये देखे अभी भी सो रहे हैं, रात को हम रुक गए थे, लेट हो गए थे भाई, तो सुबह चले हम जल्दी। रात की वीडियो नहीं बना पाए, ज़्यादा फ़ोन बंद हो गया था। और अब हम ऋषिकेश पहुँचने वाले हैं, ऋषिकेश से सीधे हरिद्वार, हरिद्वार में मिलते हैं आपसे। देखिए सब सो रहे हैं, पीछे भी शौर्य भी सो रहे हैं, ये देखिए। हेलो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हरिद्वार, हरियाणा टापू, और ये देखिए गंगा का किनारा। और शौर्य भी उठ गया, वो देखिए बुरा शौर्य। हेलो गाइस, ये है सुकून, ये देखो इधर देखो, ये है सुकून, यहाँ मिलते हैं गंगा किनारे हमें सुकून। ये देखिए, बोलो हर हर गंगे, ये देखिए भी, अरे आराम से, जय हो गंगे मैया, जय हो गंगे मैया। ये लीजिए, हम हरिद्वार से भी नहा धो के निकल लिए हैं, जैसा कि आपको दिखाया था, गंगा मैया के दर्शन करके बहुत अच्छे से, और निकल लिए घर की तरफ। और ये देखिए शौर्य ने क्या ले लिया, क्या लिया आपने? मोस्टर कार। तो चलिए चलते हैं हम घर पे। हे गाइस, फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। अब तो टाइम ज़्यादा हो गया, बट हम आते ही सो गए थे। टॉयज लेके आया था, एक दो दिन तो साथ में लेके सोएगा इसको, इसकी स्टार्टिंग से आदत है, कुछ ना कुछ इसको साथ में चाहिए। तो बहुत थक गए, तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी हमारी, और आप भी एक बार ज़रूर जाइएगा केदारनाथ, क्योंकि हमारे बड़े तो नहीं जा पाए, बट मैं भी ये देखो 30 साल से ऊपर का हो गया तभी जा पाया हूँ। और शौर्य की किस्मत देखिए आप, 4 साल का हुआ है, 4 साल में बाबा केदारनाथ के दर्शन करके आए शौर्य, तो बहुत अच्छी जगह है, और आप ज़रूर जाइए एक बार। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये है वो है, ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पे, ये नहीं है, बहुत अच्छा सुकून मिलता है वहाँ पे। आप भी जीवन में एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार जाओगे तो फिर आपका बार बार दिल करेगा। तो चलिए ये ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय।